थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी का दावा है कि बालू और गिट्टी संकट के विरोध में बिहार बंद को जनता का भी साथ मिला है, और यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक इस बंद का असर साफ नजर आया। जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलनरत राष्ट्रीय जनता दल को आम लोगों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है। आरजेडी के बिहार बंद में शरद गुट के साथ समाजवादी पार्टी भी सक्रिय भागीदार रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर बात करेंगे। बालू के सवाल पर आरजेडी के बिहार बंद का राजधानी पटना में भी मिलाजुला असर देखने को मिला। हालांकि राजधानी पटना में प्रकाश पर्व के समापन समारोह की वजह से पटना सिटी बाईपास और अशोक राजपथ का इलाका पूरी तरह बंद मुक्त रहा। बालू गिट्टी के मुद्दे को लेकर आरजेडी सुप्रीमो के दोनों बेटे सड़क पर उतरे। पटना के डाक बंगला चौराहे पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने गिरफ्तारी भी दी। बाद में थाने में दोनों आरजेडी नेताओं को बॉन्ड भरवाया गया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद तेजस्वी ने कहा कि राज्य की सरकार गरीबी नहीं गरीबों को हटाओ की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। को गरीबी से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन ये गरीब से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मजदूर से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भूखे पेट जो गरीब जो सो रहा है, सरकार को रहम तक नहीं आ रहा है। लोग बड़े तादाद में पलायन कर रहे हैं, मजदूर तो मजदूर बेहाल है, आम नागरिक भी बेहाल है। बालू की कीमतों से लेकर के आसमान छूता हुआ कीमत, वो भी गारंटी नहीं कि बालू मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और ये पूरी तरीके से जो इस बालूबार के कारोबार में थे, चाहे ट्रैक्टर वाले ड्राइवर थे, बस के लोग थे, ट्रक था, सब लोग बेरोजगार हो गए। बालू गिट्टी के मौजूदा संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए आरजेडी ने सड़क पर उतरकर अपनी जंग का ऐलान करते हुए कहा कि बालू प्राकृतिक संपदा है, सरकार इसको लेकर राजनीति कर रही है। पार्टी के बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार स्वार्थ की राजनीति करते हैं और जनता इसका जवाब देगी। पुराने नियमावली से बालू की बिक्री की घोषणा आधी अधूरी है। गलत बालू नीति की वजह से बिहार की जनता कई महीनों से परेशान है। ये राजद के जो बंद है उसमें गरीब गुरबा तमाम लोगों का ये संगठन है, केवल हमारा ही संगठन नहीं है, उन्होंने अपना आवाज को उठाने का काम किया है, जिससे सरकार तिल मिला रही है। जब तक नीतीश कुमार जी हमको सर्टिफिकेट नहीं दे देते हैं कि हाँ हमने गरीब गुरबा को अधिकार दिया, बालू दिया, चलाने का काम किया, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहे। आंदोलन की अग्रणी नीति क्या होगी? आंदोलन देखिए चल रहा है, अगला नीति भी रहेगा, सड़क पर बढ़ जाएंगे हम। वहीं बिहार में बालू गिट्टी के सवाल को लेकर आरजेडी के बंद को लेकर सत्ता पक्ष जेडीयू ने आरजेडी पर जमकर हमला किया। जेडीयू नेताओं ने कहा कि आरजेडी अभी भी पुरानी छवि से नहीं उभर पाई है, आम जनता की तकलीफों की आरजेडी को कभी परवाह नहीं रही। सड़क जाम से एम्बुलेंस फंसी है, मरीज मर रहे हैं और ये लोग नारेबाजी में व्यस्त है। जी, कैसी राजनीतिक संस्कृति आपकी है? एक महिला जो बेचैन थी, बीमारी के लिए परेशान थी, इलाज के लिए पटना आ रही थी, आज आपके समर्थकों के कुकृत्य के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही है लालू जी आपके राजनीति का विद्रूप चेहरा, जो यह बताता है कि संवेदना लालू जी के समर्थकों में नहीं है। और खास करके यह मामला चूँकि राघोपुर के नज़दीक का इलाका का मामला है, इसे निश्चित रूप से लालू जी ऐसी राजनीतिक संस्कृति के आप वाहक बन गए जो महिलाओं का जान ले लेता है। बहरहाल बालू के सियासी खेल में विपक्ष ने सरकार को चारों खाने चित कर ये साबित कर दिया है कि सूबे की सियासी राजनीति के इस खेल में सरकार की राह आसान नहीं होने वाली। सहयोगी गणेश सम्राट के साथ नवनीत कुमार, साधना न्यूज, पटना। तो बालू बंदी और बवाल, ये स्थिति है बिहार की। और चूंकि आज बिहार बंद बुलाया गया था और ये बंद आरजेडी का दावा है कि काफ़ी असरदार हुआ है, इसीलिए आज विशेष में हम इसी पर बात कर रहे हैं कि जब नई नियमावली को लेकर बवाल मचा है और सरकार ने ठीक एक रोज पहले इसे वापस भी ले ली, तो क्या बंद को जो है सो आगे के लिए टाला जा सकता था? अगर सरकार ने उन्हें भरोसा नहीं दिया
तो सरकार के भरोसे, सरकार ने आखिर भरोसा खोया क्यों है लोगों में, ये भी सवाल है। क्योंकि हमने एक बयान सुना था नेता का, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सरकार मुमकिन है कि बंद को टालने भर के लिए अंतिम समय में फैसला लिया है, आगे फिर कुछ कर सकती है। तमाम चीज़ें हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में, क्योंकि बहुत अहम है। आज जब बंद हुआ तो कई घटनाएं भी घटी हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं। कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस जाम में फंसा था, जिस वजह से ये मौत हुई है। अब सवाल ये है कि क्या आरजेडी के इस बंद ने सरकार को बैकफुट पे भी ला दिया है, क्योंकि जो सरकार पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थी कि नई नियमावली को रोक लगाएंगे, अब रोक लगा दी है। यानी कि आंदोलन जब आगे बढ़ा है तब सरकार पीछे हटी है। आगे क्या कुछ होगा बालू को लेकर, ये भी समझना होगा, ये भी समझेंगे हम, चर्चा भी करेंगे इस पर। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि क्या स्थिति है बालू को लेकर बिहार में, क्यों नई नियमावली को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी से और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं पटना से। रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। सवाल जब आपको आगे बढ़ाए उसके पहले सीधा सवाल आपसे, किस रूप में देखते हैं आज के इस बिहार बंद को आप? बिहार बंद में व्यापक जन समर्थन था और व्यापक भागीदारी हुई। उस आंदोलन को हम लोग सफल मानते हैं। जिस आंदोलन में जिनके लिए आंदोलन है वो उसमें शामिल हो जाएं तो वो आंदोलन को हम सफल मानते हैं। तो ये जितना जो बेरोजगार हो गए मजदूर, जो काम कर रहे थे वसूली वाले, रुखानी वाले, करनी वाले, बेलचा चलाने वाले, ट्रैक ट्रैक्टर, बालू गिट्टी सभी में काम करते थे, सारे लोगों की भागीदारी इसमें आई, सारे लोगों का समर्थन हुआ। आम आदमी भी पीड़ित है, जिनका घर बनाना है, छड़की बनाना है, काम रुक गया, बालू मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है जहाँ तहाँ चोरियाँ नुकिया चोरी छिपे तो 3 गुना 4 गुना दाम पर, जिसमें बालू माफिया का पौबाड़ा। मुझे लगता था कि बालू माफिया और सरकारी अफसर और क्रिमिनल, ये तीनों का गठजोड़ है, उस गठजोड़ के खिलाफ में यह आंदोलन है। इसलिए यह आंदोलन व्यापक और ये बंद सफल हुआ, बेशांतिपूर्वक हुआ और कोई कहीं दबाव नहीं डालना पड़ा किसी पर। अपने से लोग दुकान बंद किए हुए थे, अपने से वाहन चलना बंद हो गया और सब लोग का समर्थन है। वाहन वाले तो ट्रक वाले अपने से हमसे पहले से हड़ताल किए हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं, लघु खनन सिंचाई वाले इनकी गलत नीति के चलते। अब इस तरह की हठधर्मी सरकार होती है? 6 महीने बीत गए, बेरोजगार हो गए लोग, भुखमरी की स्थिति में चले गए, कोई सुनवाई नहीं। हाई कोर्ट ने 3 बार फैसला दिया कि नहीं? इनके 2017 के नियमावली को हाई कोर्ट ने खारिज किया कि नहीं? और ये सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को माना और कहा कि आप जाकर हाई कोर्ट में सुनवाई कर सुनिए, हम इसमें को नहीं सुनेंगे। अब फिर भी ये मानने को नहीं तैयार हैं। अब हमारा आह्वान किया हुआ तमाम राज्य में तैनाती है, वर्कर लग गए, स्वयं सेवक लग गए कि भाई ये बिहार बंद सफल बनाना है। अब रात में अपना चीफ सेक्रेटरी से बयान दे दिए, अब वो बयान देने से आप हाई कोर्ट के फैसला को नहीं मान रहे हैं, आपके बयान का क्या कदर है जनता में? मतलब ये रघुवंश बाबू, एक चीज समझना चाहूंगा कि जो चीफ सेक्रेटरी ने कल बयान दिया, सीधी सी बात है कि उस बयान के बाद आप लोगों को भरोसा नहीं है राज्य सरकार पर? छोड़ेंगे न तो लड़ाई को और जारी रखेंगे। नहीं, जब राज्य सरकार ने एक रोज पहले, आपके बंद से एक रोज पहले ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि हम नई नियमावली को खत्म कर लेंगे, वापस ले लेंगे, तो क्या आप लोगों को भरोसा अभी भी नहीं है सरकार पर? नहीं भरोसा है, नहीं भरोसा है, धोखा वाली सरकार है, जनता नहीं भरोसा कर रही है इन पर। जब तक बालू गिट्टी मिलने नहीं लगेगा, न तो 2017 के नियमावली को पटना हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज किया, लेकिन इस पर जांच होना चाहिए। जब ये 3 बार उसके बाद फैसला अपना दूसरा नोटिफिकेशन कोर्ट को बरगाने के लिए निकाले नहीं, और हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को बार बार खारिज किया है कि नहीं, ये मानने वाले नहीं हैं।
ये किसान अति मजदूर विरोधी गरीब विरोधी हैं, इसीलिए इनको नहीं बुझाता है। और कि क्या हालत है लोगों की, चाहे सीमेंट के दुकान वाला उनकी बिक्री बंद, छर के दुकान वाला उनकी बिक्री बंद, ट्रैक्टर वाला का, ये जो लाइन होटल सब है उसमें ट्रैक्टर। रघुवंश जी एक बात बताइए, जो डिप्टी सीएम है बिहार के सुशील कुमार मोदी, वो तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि कहीं पर बालू गिट्टी की कोई समस्या है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी साफ कहते हैं कहीं कोई समस्या नहीं है, केवल आरजेडी को ये समस्या दिखती है। समस्या नहीं है, कई गुना में मिलता है, अब बालू मिलता है। ये इस तरह से ये प्रचार करके लोगों को बरगलाते हैं, ये किस हिसाब से सुशील मोदी बोल रहे हैं, कहां मिलता है, कई हजार में एक ट्रेलर मिलता है, इनका सरकारी काम बंद है कि नहीं, जो ये दीघा से जो एम्स की सड़क बननी है बंद है कि नहीं, इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा जी के करगी में सड़क वाला, वो बंद है कि नहीं से बालू के बिना बात बनाते हैं, जब असलियत को इनकार करते हैं बोल करके या प्रचार करके। असलियत इनकार किया जा सकता है, ये बात से बात बनाने से कहीं से गलत को सही किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी समस्या है, आप लोग भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी खबर दिखाते रहते हैं, आखिर सरकार क्यों जिद पर ठान ली है कि हम ऐसा करके ही रहेंगे, क्या लगता है आपको? ये बालू मफिया का अपराध अफसर का क्रिमिनल का गठजोड़ है, तो बालू का अभाव रहेगा तब ना उनका दो पंद्रह सौ का बालू 8,000 में बिकेगा। एक ट्रैक्टर के कितना दाम था एक ट्रेलर पर, अभी कितना दाम है। सुशील मोदी कहते हैं कि बालू की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही लोग मरता रहेगा, ही कहेंगे जो कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक है। इनके बात पर कौन भरोसा करता है, ये क्या है, ये 6 महीने बीत गए, रात में ऐलान करवाते हैं चीफ सेक्रेटरी से जो हम वापिस लिया, कि कितना दिन पहले हाईकोर्ट ने इनको फटकारा है और कहा है जो तुम्हारा 2017 का नियमावली को हम रद्द किया, 1972 का नियमावली लागू रहेगा पुराना, आ रात में ये लोगों को जब बंद कहीं वापिस ना हो जाए, अब बंद ना हो इसलिए ये प्रचार कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से बयान दिलवाते हैं। 6 महीने बीते हैं, 6 महीने, 6 महीने से बेरोजगारी है और ईट मिट सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का अभाव है, जहां गांव में लोग घर बनवा रहे हैं, चरकी बनवा रहे हैं, इनका अफसर से हमारी बात हुई है, जदयू बीजेपी के लोगों से बात हुई है, कहा हम लोगों का भी काम ठप पड़ा हुआ है। अरे ये सुशील मोदी को बुझाता नहीं है सर, इधर उधर करके सरकार में शामिल हो गए हैं, तो यही उल्टा सीधा का यही जिम्मा ले लिया सुशील मोदी, उसी का जो गरिहंडा संजय सिंह है, इनके तरफ मुंह खुले हुए था जो संजय सिंह आई गाली गलौज निकालता था सुशील मोदी के खिलाफ, अखनी दोनों गरिहंडा एक हो गए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह के बारे में कह रहे हैं ना आप, रघुवंश जी, आप संजय सिंह जो जेडीयू के प्रवक्ता है उनके बारे में कह रहे हैं ना, और नरेंद्र मोदी को प्रचार का अध्यक्ष बना दिया, अब गठबंधन खत्म 17 सालों का, और 2013 के 16 जून को इनके मैं सुशील मोदी को बर्खास्त कर दिया, ये कहे हमको मौका नहीं दिया त्याग पत्र देने का, और 21 जून 2013 को विश्वासघात दिवस, अखनी दोनों मिल गए यार, संग ही संग डोले, एक ही रकम के लोग दोनों मिल गए, ये आज सरकार चला रहे हैं, इस तरह से असत्य और फरेब नहीं करना चाहिए जनता के साथ, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, जनता तबाह है, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, आई कहते हैं कि बालू की कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार तो ये कहते रहे हैं ना कि करप्शन बढ़ रहा था, अपराध बढ़ रहा था, और आप लोग जो है सो काम करने नहीं दे पा रहे थे, माहौल सही नहीं था, के ठेकेदारी दिया था, ये सुशील मोदी ठेकेदारी दिए थे कि नहीं दिए थे, सुशील मोदी ठेकेदारी दिए थे कि नहीं दिए थे, अपराध पर अपराध की चिंता, अपराध तो चरम सीमा पर है, लूट मार हत्याकांड, इनका 4 गो मंत्री से रंगदारी मांगा है कि नहीं मांगा है, इतना अपराध अपराधी मन बढ़ू हो गया है, हर जगह वहां इंजीनियर मारा गया, वहां व्यापारी 7 दिन से बंद था कि नहीं बेटा, क्यों बंद था,
लॉन्डर इनका ठीक है, महनार में व्यापारी के मारा, हर जगह मार रहा है, हत्याएं हो रही है, आ ये तो सब दारू में या बालू में पुलिस को लगा दिए हैं, और शराबबंदी इनका पहले से ज्यादा शराब आ रहा है कि नहीं बिहार में, ये बात बनाते हैं शराबबंदी अपने से पीठ थपथपा रहे हैं, शराबबंदी किया और वही शराबबंदी के समय में बीजेपी का क्या रूप था, आई देश भर में क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं। नहीं तो तारीफ तो आप लोग भी कर रहे थे ना रघुवंश जी, शराबबंदी के फैसले वक्त तो महागठबंधन की सरकार थी, आप लोग खुद बहुत खुश थे उस वक्त शराबबंदी के फैसले से, बात बनाते हैं, शराबबंदी के वक्त तो आपकी सरकार थी ना, आप भी तो बहुत खुश थे उस वक्त के फैसले से, खुश थे। शराबबंदी तो हम लोग जिस दिन नीतीश कुमार शराब बढ़ा रहे थे उन दिनों हमने खिलाफ किया, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए, जिन दिनों ही घरे घरे गांवे गांवे शराब की दुकानें खुलवाए थे, और शराब अपराध है, तो ये जितना दिन शराब बढ़ा करके बिहार को बर्बाद किए नीतीश कुमार आजीवन जेल में रहेंगे, तैयो नहीं सधेगा जितना भारी अपराध इन्होंने किया है, और अभी छानबीन होना चाहिए कि शराब पहले जितना बिहार में आता था उससे अधिक शराब आ रहा है कि नहीं। ठीक है शराबबंदी है रघुवंश जी, हम बालू को लेकर एक बार फिर से वापस लौटते हैं, बालू के सवाल को लेकर आप पर आरोप ये लगा रहा है सत्ता पक्ष, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी, वो ये कहते हैं कि चूंकि आरजेडी के कई लोग जुड़े हुए हैं बालू के इस कारोबार में, और जब सरकार ने नई नियमावली लाई है तो अब उन्हें दिक्कत होने वाली है, इसीलिए यह परेशानी है। हाई कोर्ट ने इनके नियमावली को रद्द किया कि नहीं, ओ कौन किकरा से हाई कोर्ट का साठगांठ है, ये बोल बेशर्मी की है, इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। हाई कोर्ट ने इनके नियमावली को रद्द किया कि नहीं किया, सुशील मोदी नीतीश कुमार बताओ, और सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसला पर मोहर लगाया कि नहीं, आज कहते जी नियमावली बनाए हैं, नियमावली बनाए हैं माफिया का पाव बारा होता रहे उसके लिए, और माफिया और इनका अफसर और अपराधी का गठजोड़ है कि नहीं, इसको ही बात के खंडन करें और बतावे। ठीक है, ये दूसरे 2017 के नियमावली को रद्द किया है, हमसे पहले हाईकोर्ट ने रद्द किया है, हाईकोर्ट ने एक बार नहीं तीन बार, और उसके बाद भी तीन बार अपना ऑर्डर नया निकालते रहे हैं, और उसको हाईकोर्ट बार बार रद्द करता रहा है, हाईकोर्ट बार बार इनको फटका रहा है, अब खाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ है अभी, लेकिन अब मंडा का प्रोसेस शुरू हो गया है। अच्छा, एक बात और समझना चाहूंगा आपसे रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कि बालू को लेकर बवाल है, ठीक है, उत्खनन को लेकर बवाल है, सब कुछ ठीक है, ये हम समझना चाह रहे हैं कि आप भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आप भी सरकार में शामिल रहे हैं, आप भी सरकार चला चुके हैं, एक बात हमें बताइए कि ये स्थिति क्यों आती है किसी सरकार के लिए कि जब हाईकोर्ट उस फैसले को पलट दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया हो, इसके बावजूद एक सरकार उस नियमावली को लागू करने के लिए इतनी ज्यादा जिद पर अड़ी होती है, जबकि व्यवसायी से लेकर मजदूर तक उस क्षेत्र से जुड़े हुए, उस व्यवसाय से जुड़े हुए कोई तैयार नहीं है, क्या ऐसी वजह होती है, क्या ये सिर्फ जिद का मामला है, या वास्तव में जिस ओर इशारा किया जा रहा है कि ये कोशिश हो रही है कि बालू की और गिट्टी की क्राइसिस पैदा कर दिया जाए ताकि ज्यादा लाभ हो, इसे जरा हमें समझाएं आप। हाँ, तो यही ना, जैसे कोई भी कानून रूल ऑफ लॉ चलता है, या बराबर ये लोग कहता कानून के राज, नीतीश कुमार बोलते रहते हैं कानून का राज है, आ कोर्ट के और मानना करेंगे या कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, या उसको भी कहेंगे कानून का राज है, ये जो माने यह गलतफहमी और जिद है सरकार में कि मैं जो कहता हूँ और करता हूँ वह सही है और बाकी सब लोग गलत हैं, इतना ही गलतफहमी में चल रहे हैं। इनसे हम सवाल उठाते हैं कि जिन दिनों आप शराब बढ़ाए, अब बोले कि 200 करोड़ आमद होता था शराब बेच करके बिहार में, अब मैं 4000 करोड़ आमद कर रहा हूं, अपने हाथ से पीठ थपथपाते थे बड़ा आमद किए, आज शराबबंदी करके महात्मा गांधी जी के चेला बने हुए हैं, और फिर उसी तरह से बालू बालू वाला गिट्टी वाला किसे बल बालू माफिया के हम ठीक कर रहे हैं कि बालू माफिया के आप पाव पारा कर रहे हैं, बालू गिट्टी का अभाव होगा माफिया लोग तरे तरे रात का गधे पर ढो करके पहुंचा देगा, तिगुना दाम ले रहा,
अगरज बस लोग लाचारी खरीद रहे हैं, ज्यादातर तक का तक काम बंद हो गया, मजदूर का पलायन हो रहा है। यहाँ सौ सौ मजदूर चौक पर खड़ा रहता था, ये दिल्ली चला गया। आज हमको सरजमीन का आदमी आकर बताया जे क्या करे, जो मजदूरी करके पेट भरता था, मजदूरी नहीं मिलेगी तो भूखमरी के भय से वो पलायन कर गए, दिल्ली चले गए, कहीं जहां वो काम के खोज में चले गए। अब यहाँ काम मिल नहीं रहा है, ये नहीं इनकी आंख है देखने का, समझने का। सीधे भाई हम कोई निर्णय करते हैं, छह महीने बीत गए, दस दिन पंद्रह दिन महीना दिन तक मैं समझ सकता हूँ, छह महीने बीत गए, आई रात में आज बंद है तो रात में चीफ सेक्रेटरी से बयान कराते हैं से हम नियमावली को खत्म किया, अब आप खत्म किया, आप कहता हाईकोर्ट कनैची दे रहा है रोज, आप मान नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, अब फिर कुछ आगे फैसला आने वाला है। लेकिन जनता का हित हमेशा दिखना चाहिए, सर्वोपरि है से लोगों की कठिनाई नहीं तो। चलिए अब जब जनता के हित की बात हुई है तो एक सवाल लूंगा, छोटा सा जवाब चाहूंगा कि ये सवाल उठ रहे थे आप लोगों पर कि आप लोग अगर इस बिहार बंद को दो चार दिन के बाद करते तो ज्यादा बेहतर होता, सिख समुदाय का प्रकाश पर्व था, इसको लेकर भी सवाल उठाया गया था आप पर सत्ता पक्ष की ओर से। सिख समुदाय के ओठ में आर में ये अपना धूमिल चेहरा को नुकाना चाहते हैं, काला चेहरा को छिपाना चाहते हैं, जो सिख समुदाय न कहूँ जान जाए जो ये लोग मजदूर विरोधी गरीब विरोधी है। 22, 23, 24 को शुक्राना है और यहाँ पार्टी से निर्देश हुआ, जहाँ जहाँ सिख भाई का समारोह सिटी है और जहाँ से जाने आने वाले हैं बाईपास है। फ्री रहेगा, हमारे स्वयं सेवक हमारे कार्यकर्ता उनको फूल से स्वागत किए हैं, सम्मान किए हैं, कहीं अवरोध नहीं हुआ है। एक आखिरी सवाल रघुवंश प्रसाद सिंह, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, एक आखिरी सवाल कि बिहार बंद के दौरान जो मौत हुई है आज, उसको लेकर क्या कहेंगे आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी के? आप हाँ, बिहार के बंद के दौरान एक सोमारी देवी घर लावापुर नाम का पटने में मर गई थी, डेड बॉडी जा रही थी उसके घर वापिस एम्बुलेंस से, उसको मीडिया ने प्रचारित किया, मैं खोज रहा हूं और एसडीओ डीएसपी ने इंक्वायरी किया, उसने भी बयान दिया है कि ये वो गलत है, वो एम्बुलेंस में रुकने के चलते नहीं, वो तो डेड बॉडी पटने से जा रही थी, जिसको कहा गया कि एम्बुलेंस के रोक दिया, एम्बुलेंस के कहीं नहीं रोकने का हम लोग का था पहले से, बार बार पार्टी के तरफ से ऐलान हुआ है कि भाई एम्बुलेंस को एसेंशियल सर्विसेज को नहीं रोकना है, इसलिए वो गलत न्यूज तथ्यात्मक है, कौन रिपोर्टर है मैं खोज रहा हूँ, अब रिपोर्टर नुका गया है, कहता है से दूसरा रिपोर्टर के हम चलिए प्रचार कर दिया। शुक्रिया रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरजेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रघुवंश प्रसाद सिंह को आप सुन रहे थे और हम बात कर रहे थे बिहार बंद को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जो मौत हुई है वो कहीं से भी बिहार बंद की वजह से नहीं हुई है, मौत होने के बाद लाश को एम्बुलेंस से लाया जा रहा था, जिसे रूप दिया गया है कि ये बंद की वजह से मौत है। बहरहाल हम उम्मीद करें कि कम से कम आने वाले दिनों में बालू संकट को लेकर जो बवाल जारी है, अब यहाँ पर यह गतिरोध खत्म हो और बालू का उठाव हो सके ताकि